हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम एक बहुत ही स्पेशल डिश लेकर के आए हैं जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है। जो अपने आप में ये डिश मीठी होती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। ये देखिए, कुरमुरे के लड्डू हैं। तो हमने इसे घर पे ही बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं ये, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। और मार्केट से बहुत ही अच्छे ये हेल्दी कुरमुरे के लड्डू तैयार कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई ले लेना है, और गैस पे इसको कढ़ाई को चढ़ा देना है, और उसका पानी जो है कढ़ाई में उसे सूख जाने देना है। और हम ये कुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए हम इसमें लेंगे कुरमुरे, कढ़ाई बिल्कुल सूख गई, पानी ख़त्म हो गया, और इसमें हम डालते हैं अपने ये कुरमुरे। बहुत लोग लाई भी बोलते हैं इसको। तो ये कुरमुरे हैं, तो ये हमने 100 ग्राम कुरमुरे ले लिए हैं, और इसे रोस्ट करना है हमें। तो ये हम बगैर तेल के ही इसको रोस्ट करेंगे और ये कढ़ाई में डाल देंगे। ये वज़न में बहुत हल्के होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं ये देखने में। तो हमने इसे गैस पे डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम रख दिया है। और इसे हमें अब लगातार इसको रोस्ट करना है। ये मीडियम हीट पर ही इसको रोस्ट करना है, नहीं तो हमारे कुरमुरे नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि हल्के बहुत होते हैं। और इसमें हमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही सूखा इसको रोस्ट करना है। तो ये हमारे कुरमुरे कैसे रोस्ट हो गए हैं, इसे हम कैसे चेक करेंगे, खा करके हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे कुरमुरे क्रिस्पी हो गए हैं। तो हम ये कुरमुरे को उतार लेंगे अब कढ़ाई से, और किसी दूसरे बर्तन में इसको डाल देंगे। और फिर हम वापस कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, और उसमें हम डालेंगे 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है, जो गुड़ गाँव वाला है, ये लाल वाला गुड़। आप वो वाइट या येलो गुड़ भी ले सकते हैं। हमने इसको चॉप करके डाला है, आप इसको पूरा खाना डालिएगा, चॉप करके ही डालिएगा। और इसमें हम डालते हैं 2 टेबल स्पून पानी, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ नीचे से लगने ना पाए। और ये मेल्ट होना शुरू हो गया है, और इसे लगातार चलाना है हमको ताकि हमारा गुड़ नीचे से ना लगे। और ये देखिए, हमारा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, आधा गुड़ मेल्ट हो गया है, और अभी जो बाकी है वो भी अभी मेल्ट हो जाएगा। और इसे लगातार चलाना है, इसका बहुत ख्याल रखना है, और कढ़ाई की जो नीचे की तलवा है वो मोटा होना चाहिए, बहुत पतला हल्की कढ़ाई में नहीं बनाना है इसको, नहीं तो हमारे गुड़ जलने का डर रहेगा। और इसे अच्छे से खूब पका लेना है जब तक हमारा गुड़ मेल्ट ना हो जाए, और इसको बराबर चलाते रहना है। तो देखिए, हमारा ये गुड़ पक गया है, और इसको हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये जो गुड़ है, इसका लिक्विड है गुड़ का, कैसे इसमें हम अब डालेंगे 1 चम्मच घी डालते हैं, और इसको मिक्स करेंगे, और इसको लगातार चलाते रहना है। और इसे 15 मिनट लगेंगे कम से कम इसको पकाने में।
और ये देखिए हमारा गुड़ पक रहा है बहुत अच्छे से। और हमें इसके चेक करना पड़ेगा कि गुड़ हमारा अब कैसे तैयार हुआ है लड्डू के लिए कि नहीं। तो हम सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसको देखेंगे कि हमारा गुड़ सेट हो रहा है कि नहीं। इसमें हम दो तीन ड्रॉप्स गुड़ के डाल करके देखेंगे। अगर ये गुड़ अच्छे से सेट हो जाएगा तो समझिए हमारा गुड़ तैयार है, गुड़ का लिक्विड तैयार है। तो देखिए हम इसको निकालते हैं लेकिन ये निकल नहीं रहा है, उसी में चिपक गया है और ये अभी बना नहीं है गुड़ अच्छे से हमारे लड्डू बनाने के लिए। तो इसमें हम दोबारा डालते हैं कुछ ड्रॉप्स और ये देखिए ये गुड़ अभी भी ये सेट नहीं हुआ है। देखिए खींच रहा है ये भी, तो अभी ये सेट नहीं हुआ है। तो हमें दो तीन मिनट अभी और पकाना है इसको। तो चलिए इसको हम अभी दो तीन मिनट और पकाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो गुड़ हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं, नीचे से जल जाएंगे तो खाने में अच्छे नहीं रहेंगे। तो हमें दो तीन मिनट अभी हम और पका लेते हैं गुड़ को। तो हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। और चलिए हम फिर से इस गुड़ को देखते हैं कि हमारा गुड़ बना कि नहीं। तो चलिए हम फिर एक बॉल लेते हैं, उसमें पानी रखते हैं थोड़ा सा और फिर दो तीन बूंद दो तीन ड्रॉप डालते हैं हम गुड़ के। तो देखिए हमने डाल दिया दो तीन बूंद दो तीन ड्रॉप और हमें इसे देखना है। ये देखिए ये कड़क हो गया है और सेट होने लगा है और ये टूट भी रहा है आसानी से और सेट हो गया पूरा अच्छे से। ये देखिए टूट जा रहा है बहुत ही अच्छे से। तो हमारा गुड़ पक गया है और हमको अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा जो गुड़ का लिक्विड है ये बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए ये इसमें हम अब ये कुरमुरे डाल देते हैं अपने, सब एक साथ डाल देना है हमको और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसको दबा दबा करके आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएंगे। हमने ये स्टील का जो है चम्मच ली है लेकिन आप स्टील में बहुत चिपकेगा, आप उसमें घी लगा करके करेंगे तब नहीं चिपकेगा, लेकिन हमने घी नहीं लगाया था इस वजह से चिपक रहा है। तो हम अब इसमें दूसरा स्पून लेंगे जो लकड़ी का होगा स्पून और उसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। ये देखिए घी लगा लेते हैं और इस स्पून से हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए घी लगा है तो बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है ये और इसमें चिपकेगा नहीं। घी लगाने का रीज़न यही है कि हमारी चम्मच में ये जो कुरमुरे हैं चिपकेंगे नहीं, पूरा निकल गया। और हमको इसे पूरा मिक्स करना है और बहुत थोड़ा हाथ को अपने तेज़ करना है क्योंकि ये गर्म में ही मिक्स होगा, अगर ठंडा हो गया तो जम जाएगा। तो हमें हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है और सब मिक्स कर देना है। इसको दबा दबा करके आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने एक इसमें बना लिया निकाल करके और हमें एक परात में ऐसे निकाल लेना है और हमें ऐसे लड्डू बनाना है। हमने एक उसमें पानी लिया है बॉल में,
एक हमने लड्डू बना के रख दिया है। देखिए हम पानी लगाते हैं हाथ में, फिर इसमें लड्डू बनाएंगे, क्योंकि ये अभी गर्म है तो पानी लगाने से हमारे हाथ जलेंगे नहीं और आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो देखिए ऐसा ही सब हम लड्डू बना लेते हैं। हाथ में पानी ज़रूर लगाना है, जितनी बार हम लड्डू बनाएंगे उतनी बार आप पानी ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपके हाथ जलने का डर रहेगा। ये देखिए हम पानी लगा लिए और फिर से इसको हम लड्डू बनाना शुरू कर दिए। तो चलिए ऐसे ही लड्डू हम सब बना लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। देखिए बहुत अच्छे से शेप दे देना है और इसको गरम गरम में ही इसको बनाना है। तो ये देखिए इतने हमारे कुरमुरे बच गए हैं और इसको हमने जानबूझ के ठंडा कर दिया है और इसके लड्डू नहीं बनाए हमने आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अगर आप जल्दी जल्दी लड्डू नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही ये रह जाएंगे और ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो देखिए कुछ लड्डू हम इस तरह बनाए हैं, जो हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बन पाए हैं वो ठंडे हो गए थे लास्ट में, हम जल्दी जल्दी में नहीं बना पाए और हमने जब दबाया तो देखिए ये टूट गए हैं। तो देखने में ख़राब लग रहे हैं लेकिन खाने में बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखिए ये हमने जब गरम गरम था हमारा ये बैटर पूरा, तो हमने ये इसके लड्डू बनाए, कोई भी ज़रा सा भी नहीं टूटा है, एक भी दाना नहीं टूटा। तो ये देखिए गरम और ठंडे में इतना फ़र्क होता है। तो आपको बस यही करना है कि गरम में ही जल्दी जल्दी लड्डू बना लेना है। थोड़ा जलते ज़रूर हैं हाथ हो, लेकिन इतना भी नहीं जलेंगे कि आपके हाथ जल सकते हैं। आप पानी लगा कर करिएगा तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो देखिए हमारे ये लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे। हम आपको इसको तोड़ करके भी दिखाते हैं कि ये हमारे लड्डू कितना क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी है ये लड्डू। मार्केट से बहुत ही अच्छे लड्डू ये बन कर के तैयार होते हैं, मार्केट से भी अच्छे। तो आप देख सकते हैं ये लड्डू, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। देखिए बहुत ही कड़क है ये, मैं आपको इसको तोड़ करके भी दिखाती हूँ, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए पूरे क्रिस्पी हो गए, पूरे एक एक दाने अलग हो गए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिए ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हमारी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।